ये दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 3 स्मार्टफोन की, एक नई और कस्टम रोम का। तो ये दोस्तों, मैंने इसे 3 दिन हो गए इसे यूज करते हैं दोस्तों। मुझे दोस्तों इसका बैटरी बैकअप बड़ा ही कमाल का लगा दोस्तों। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, 7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो दोस्तों, पता करते हैं ये कौन सी रोम है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कस्टम रोम का नाम है अनलिश, और दोस्तों ये एंड्रॉयड ओरी पर बेस्ड है 8.1.0, और कर्नल वर्जन भी आप देख सकते हैं रैपर, और ये प्री रूटेड आती है। इसको आपको रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैजिक्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, और इसमें आपको म्यूजिक ऐप मिल जाती है और ऑडियो अफेक्ट्स मिल जाता है, और एड को ब्लॉक करने के लिए ये ऐप भी मिल जाती है। और दोस्तों, आप नोटिफिकेशन बटन देख सकते हैं, वाईफाई डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैशलाइट बिल्कुल वर्क करती है, ऑटो रोटेशन, ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप साउंड रिबूट, PIP और एम्बेड डिस्प्ले, कुछ ऐसे ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस कस्टम रोम की खास बात, आपको इसका बैटरी बैकअप बड़ा कमाल का मिलेगा। 7 घंटे 15 मिनट का मुझे मिला, मेरी 3% बैटरी रह गई थी स्मार्टफोन की। बता दूं कि इस कस्टम रोम में हमें कोई बग देखने को नहीं मिलता। मुझे कोई स्मूथ, बिल्कुल बटरी स्मूथ इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली है। मुझे कोई भी इसमें हैंग और लैग देखने को नहीं मिला। बहुत सी ऐप्स को और गेम्स को इंस्टॉल किया, पर दोस्तों मुझे इसमें कोई लैग और हैंग देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, इसकी कुछ कस्टमाइजेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मेन कस्टमाइजेशन दोस्तों दिखा देता हूँ। इसकी कुछ बढ़िया फीचर, जैसे कि दोस्तों ये क्लॉक डेट आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, और नोटिफिकेशन टिकर और बैटरी को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, आप कौन सा भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और ब्रांड लोगो, कस्टम लोगो और सिस्टम आइकन को आप वोल्टी यहाँ से दिखाना चाहते हैं, और वोल्टी बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल वर्क करता है। वोल्टी का आइकन यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, डिसेबल इनेबल करना चाहते हैं, और यहाँ पर शो 4G को करना चाहते हैं कि LTE को करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्लियर ऑल और यहाँ से क्लियर ऑल का बटन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप सारी ऐप्स को क्लियर ऑल कर सकते हैं, और फ्री मेमोरी आप यहाँ से देख सकते हैं, और एम्बिएंट डिस्प्ले दोस्तों इसका ऑप्शन हमें मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन स्क्रीन का भी दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आप कई स्क्रीन ऑलवेज ऑन रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ से ये ऑन ही रहती है। अगर आप इसे आप ऑन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑफ करने के बाद ये ऑन नहीं होगी। और एम्बेड डिस्प्ले को ऑन करके आपका जो न्यू नोटिफिकेशन होगा तभी ये आपकी डिस्प्ले ऑन होगी, और ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और अलाउ नेविगेशन बार में दोस्तों आप इसको ऑन करके ऑन स्क्रीन बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों हमें जेस्टर का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जेस्टर एनीवेयर, यहाँ से आप जेस्टर एनीवेयर कोई भी जेस्टर टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ऐप सर्कल बार, ऐप सर्कल बार को ऑन करके दोस्तों यहाँ से एक बिंदु सा निकल आएगा, डब्बा सा, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, जो ऊपर नीचे होएगा, और इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप उसको लंबा करना चाहते हैं तो हाइट को बढ़ाना चाहते हैं इसकी को तो बढ़ा सकते हैं। इसको इधर से निकालने से दोस्तों आप यहाँ से ऐप बार निकल आता है, सर्कल बार निकल आता है, जहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ से ऐप को रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको ऐप को निकाल सकते हैं, कोई भी जो सेटिंग्स कुछ भी आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें एक और एक्साइटिंग फीचर के बारे में आपको मैं बताऊं कि हमें इसमें सिस्टम ऐप रिमूवर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप सिस्टम ऐप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बिल्ट
और दोस्तों इनबिल्ट कैमरा दोस्तों हमें ये मिल जाता है कैमरा, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कैमरा वीडियो, और दोस्तों कुछ ज़्यादा कस्टमाइज देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिलती। आप देख सकते हैं फ्लैश को ऑन कर सकते हैं, और आप वीडियो भी दोस्तों मैंने इस पर बना कर देखी थी, वीडियो भी वर्क करती है परफेक्टली। कोई भी मुझे सिग्नल ड्रॉप का दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आई, सिग्नल बढ़िया काम करता है 4G वोल्टी, और सेकंड सिम में दोस्तों नेटवर्क सही आता है, बढ़िया चलता है। और दोस्तों मुझे इसमें कोई हैंग लैग देखने को नहीं मिला, और ये बहुत ही बढ़िया कस्टम रोम है, और कोई लैग नहीं, कोई हैंग नहीं, और ये इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, 7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं एंटूटू पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद यूज़ करके देखता हूँ, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपको ज़रूर उसकी सही बातें ही बताऊँगा। फालतू में दोस्तों मैं किसी की रिव्यू देख के नहीं बताता, मैं पहले अपने आप यूज़ करता हूँ कस्टमरों को, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें मुझे कितना बैटरी बैकअप मिला। दोस्तों अगर आप ज़्यादा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी जो ऐप है ना बैकग्राउंड में चलेगी तो आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा, इसलिए आपको आप कम ऐप को इंस्टॉल करें जो जो आपको चाहिए, तो आपको बैटरी बैकअप बड़े कमाल का मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से इस अनलेस कस्टम रोम का रिव्यू रेडमी नोट 3 स्मार्टफोन में। अगर दोस्तों आपको कुछ और जानना है इस रोम के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस टेक्निकल सहजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों आगे और वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों।